नमस्कार, डी लाइव में आपका स्वागत है। ब्लास्ट पत्रिका का ये कार्यक्रम है जहाँ पर यंगस्टर से हम बात करने जा रहे हैं। आज जो हम बात करेंगे उसका विषय है प्रेसिडेंट इलेक्शन और यूथ की एक्सपेक्टेशंस। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एक औपचारिकता होता है, संविधान का सबसे बड़ा मुखिया राष्ट्रपति का पद होता है, लेकिन इसके बाद जो ताकतें हैं वो बहुत कम होती है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। राष्ट्रपति के पास तीन बड़ी ताकतें होती हैं, उन ताकतों के बारे में हमें समझना होगा। इसलिए राष्ट्रपति का पद एक रबर स्टैंप नहीं होता है, वो कार्यकारण में जरूर लगता है कि हमें उसके पास बहुत सीधी ताकतें नहीं है, लेकिन आखिरकार राष्ट्रपति ही किसी राष्ट्र का मुखिया होता है। हमारे साथ आज बात करने के लिए कुछ नौजवान साथी हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हमसे बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जो होने वाली जो विसंगतियां हुई हैं उस पर भी, और राष्ट्रपति कैसा हो देश का इस पर। हमारे साथ यहाँ से शुरुआत करेंगे सबसे पहले कि कल इलेक्शन है, 17 जुलाई को चुनाव है, और दो बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े भारी भारी कैंडिडेट्स हमारे सामने। आपकी नजर में कौन अच्छा है आपके हिसाब से, चूंकि इसमें आम आदमी को वोटिंग राइट नहीं होता लेकिन ओपिनियन राइट सबको है। दो ऑप्शन है प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, यूपीए से मीरा कुमार है और एनडीए से कोविंद है। जी, हम दीपक के पास चलते हैं। दीपक, ये दो पोल है। प्रेसिडेंट इलेक्शन एक बहुत गरिमापूर्ण चुनाव होता है, देश की के लिए बड़ी बड़े क्षण होते हैं। हमने ऐसे राष्ट्रपति भी देखे हैं जिनमें हम कलाम साहब जैसे राष्ट्रपति देश को मिले हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे राष्ट्रपति भी देश को मिले, ज्ञानी जय सिंह जैसे राष्ट्रपति भी देश को मिले। ऐसी श्रृंखला में अगर अपेक्षा करते हैं तो ऐसा लगता है राष्ट्रपति मतलब एक बहुत ही गंभीर और ऐसा व्यक्ति जो जिसके जिसका मतलब एक देश का फॉलोअर। इस पर देखते हैं हम उस पर पॉलिटिकल ओपिनियन के बाहर जाकर अगर बात करते हैं, दो कैंडिडेट्स में आपके हिसाब से कौन है? मेरे हिसाब से रामनाथ कोविंद जी बेटर ऑप्शन है, क्योंकि करेंट में वो बिहार के गवर्नर रह चुके हैं और उन्होंने अभी अभी अपना पद छुआ है क्योंकि उनको प्रेसिडेंट इलेक्शन से लड़ना था। तो मेरे हिसाब से रामनाथ कोविंद जी एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि वह खुद एक एलियन है, उनके विचार विमर्श और एक बहुत बड़े विशेषज्ञ माने जा रहे हैं, और वो करंट 2015 से 2017 की स्थिति में अभी वो गवर्नर पद पर निर्वाचन भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका व्यक्तित्व अभी करंट की स्थितियों से जुड़ा हुआ है और वो एक बहुत अच्छे मोमेंट्स भी हैं। तो मेरे मुताबिक उनको प्रेसिडेंट इलेक्टरशिप के बेटर कैंडिडेट है इन रिस्पॉन्ड टू मीरा कुमार। अगर हम बात करें आपसे मीरा कुमार से, मीरा कुमार के नाम आपके ओपिनियन ले लेते हैं। मीरा कुमारी जी बहुत अच्छी व्यक्तित्व की महिला रह चुकी है, वो एक प्रथम लोकसभा स्पीकर भी रह चुकी है यूपीए के टाइम में, 2009 से 2014 तक का उनका कार्यकाल था। परंतु जो कि मीरा कुमारी जी मैं जहाँ तक समझता हूँ वो लगातार 5 बार से पार्लियामेंट की मेंबर्स भी रह चुकी हैं, पर मेरे हिसाब से जो करंट की स्थिति है रामनाथ कोविंद जी ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वो अभी करंट में गवर्नर है, रह चुके हैं, ये रह चुके हैं, अभी रहने वाली बात है। तो नारी शक्ति के अनुसार भी उनको भी तो 5 बार का रहना है, मतलब जनप्रतिनिधि में 5 बार लगातार आगे आके अपना पार्लियामेंट में जैसे संबोधन दिए जाते हैं। भारत में भी इस पद के लिए हम बहुत एक सम्मानजनक पद नाम देते हैं महामहिम राष्ट्रपति और गवर्नर के आगे ये शब्द लगता है, इसके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होता। हम अगर इस नजरिए से देखें तो यंगस्टर्स को और पॉलिटिकली क्लोज करने के लिए इसमें और क्या क्या चीजें बेहतर होनी चाहिए? एनीवन कैन ओपिनियन, कोई भी कर सकता है, अलग अलग दिए जाएंगे जिसको लगता है इसको बोले। सर, मेरा मानना यह है कि अगर इसमें थोड़ा सा पब्लिक इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है या पब्लिक डायरेक्ट वोट करें प्रेसिडेंट लीडरशिप का, तो यह ज्यादा बेटर कैंडिडेट सामने आ सकता है और उसके उसके उसकी पावर भी कहीं ना कहीं बढ़ेंगे अगर वो जनता के माध्यम से चुन के आएगा।
अभी में होता है कि इसको दो बड़ी पार्टीज इलेक्ट कर देती हैं, पर वो उनसे मॉनिटरिंग होते हैं। जो इससे पहले भी प्रणब मुखर्जी जी थे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से संचालित हो रहे थे, वो खुल के अपने काम नहीं कर पा रहे थे और डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, जिससे कहीं ना कहीं जनता को फ्रूटफुल डिसीजन नहीं मिल पा रहे थे। तो अगर कहीं ना कहीं पब्लिक इन्वॉल्वमेंट होगा, पब्लिक डायरेक्ट वोट करेगी प्रेसिडेंट लीडरशिप के लिए, तो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर करते हो तो प्राइम मिनिस्टर की क्या भूमिका होगी अगर प्रेसिडेंट को भी अगर पब्लिक में वोट करने लगे? देखा जाए तो प्रेसिडेंट नहीं करते हैं प्राइम मिनिस्टर से, तो मेरा मानना ये है कि मीरा कुमारी को बनना चाहिए, क्योंकि वो 2009 से 2014 तक स्पीकर रही है और फर्स्ट स्पीकर रही है और बहुत पावरफुल है, इसलिए उसको बनना चाहिए। पावरफुल के किस मायने में पावरफुल रहा आपका? मतलब वो डायरेक्ट। हम इसको यहाँ से थोड़ा ताई शक्ति से बात कर लेते हैं। प्रेसिडेंट इलेक्शन, राष्ट्रपति का चुनाव देश का राष्ट्रपति एक गरिमा पूर्ण पद होता है, देश का सर्वोच्च पद होता है, क्या इस पद के साथ कोई ऐसे टैगिंग फेमिनिज्म टैग, कलिटिज्म टैग, कास्टिसिज्म टैग, रिलीजियस टैग, कोई ऐसे टैग लगना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि क्या है कि अगर ऐसे टैग्स लगाने लगते हैं तो आगे हमारा जो भविष्य, हम जिनको हम चुन रहे हैं तो वो खराब स्थिति में चला जाए। अगर ऐसे टैग हम लोग लगाते हैं या फिर वो भी लगाते हैं तो ये कहीं ना कहीं सरासर गलत होगा, क्योंकि हम लोगों को ऐसा किसी चीजों से दूर करना है। तो इसलिए हमारे लिए तो रामनाथ कोविंद जी ही बेटर है, वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि वो एलएलबी कर चुके हैं और उनको आईएएस का मतलब पद उनको मिलने वाला था, उसको वो रिजाइन करके वो आगे मतलब समाज सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, तो उनसे अच्छा और पद बिल्कुल। ये आप योग्यता के मामले में बात कर रहे हैं, थोड़ा करेक्शन इसको करना चाहिए, आईएएस का पद नहीं मिला, आईएएस का कैडर नहीं मिला था, यही उनका दबाव था, इसलिए उन्होंने उसको रिजाइन किया। उनको यूपीएससी सेलेक्टेड है, पर उनको एडमिनिस्ट्रेशन में आना था, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिला था, सिर्फ ये उनके साथ विडंबना थी। बहरहाल हम फिर एक पॉइंट पर इस पर आते हैं, आपका ओपिनियन और इसमें जरूरी है कि ये जो दलित वाला शब्द इसमें यूज किया गया, सबसे पहले जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हुआ उसके 8-10 दिन के अंदर मीडिया ने उसकी गणितबाजी शुरू कर दी, समीकरण बनाने शुरू कर दिए कि इससे होगा, उससे होगा, ये होगा, वो होगा, और कैलकुलेटिवली हुआ भी वही करीब करीब, उसमें एक तड़का लगा दलित वाला, इसको आप कैसे जस्टिफाई करते हैं, आप इसको मानते हैं ठीक या गलत? इंसान से और जो आम जनता है उनसे उनकी जिंदगी से कितना जुड़ा हुआ है। रामनाथ कोविंद जी को देखा जाए तो वो जन कल्याण के लिए अपना पोस्ट तक उन्होंने त्याग दिया, वो क्या बोलते हैं अखिल भारतीय कोली समाज के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, भारतीय दलित मोर्चा के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको नॉलेज है कि आम आदमी को कैसे साथ में लेके चलना है। तो हमारे हिसाब से जो रामनाथ कोविंद जी हैं, ये तो विषय है, कोविंद जी आपकी चॉइस हो सकते हैं, यू हैव नो वोटिंग राइट, यू हैव ओनली ओपिनियन राइट, यू कैन एक्सप्रेस योर ओपिनियन, आपका रामनाथ कोविंद इज माय फ्रेंड्स। लेकिन रामनाथ कोविंद को अनाउंस करते समय जब दलित शब्द उनके साथ जोड़ा गया, ये कितना जस्टिफाइड है? सर, इसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं ये गलत है एक प्रकार से, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर चालू होगी, दलित वर्सेस दलित, कहीं ना कहीं ये आपस में, अगर मीरा कुमारी ये दलित समाज से बिलोंग करे तो अपन ने दलित कैंडिडेट एनडीए ने भी उतारा कि दलित वर्सेस दलित रहे, और एक कोल्ड वॉर दिखे कि हमने दलित को हमने भी प्रिफर दिया, हमने भी प्रिफरेंस दे रहे, हम भी दलित को प्रिफर करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आगे की रणनीति है, चाहे वो एनडीए के माध्यम से देखा जाए या यूपी के माध्यम से, कि दलित वोटर्स हमारे नहीं, दलित वोटर्स को अट्रैक्ट करने की कहीं ना कहीं ये टेक्निक्स है जो यूपीए भी अपना रही है और एनडीए भी अपना रही है। तो कहीं ना कहीं अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों पार्टी अपनी जगह सही है, पर डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या कंट्री के हित के लिए देखें तो ये सरासर गलत है, या कहीं ना कहीं दलित को प्रिफर करने के लिए आम जनता को भारत की आजादी से, यानी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से हम अगर बात करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट गवर्नमेंट से बात करते हैं 1952 से, तो अब तक हमें जो राष्ट्रपति मिले हैं उनमें हम चंद ही लोग हैं जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इनमें से अगर हम अपना अपना प्रेफरेंस देखें तो कौन कौन उनको एक राष्ट्रपति का नाम जिसको आपने बहुत पसंद किया, जी
जी मौजूदा सिटिंग, इनके अलावा और आपको कोई नाम जेल में याद आते हो? आपको कोई जेल में नाम याद? इनके अलावा और जो आपको अच्छे लगे, जो बहुत इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी रहे हो आपकी नजरों में? आपकी नजरों में सर मेरे मुताबिक एपीजे अब्दुल कलाम भारत के सर्वोच्च प्रेसिडेंट रह चुके हैं और उनका व्यक्तित्व अभी तक सारी बुक्स में, चाहे जितनी भी बुक्स हो, एनसीईआरटी की बुक्स हो और जितने भी अच्छी बुक्स और क्वेश्चंस भी रहते हैं या बड़े सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी उनके क्वेश्चंस आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि लोग अभी भी उनके जाने के बाद भी लोगों के दिल में बसे हुए हैं और उनकी अभी भी बातें चलती हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम सबसे बेटर ऑप्शन था। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद बहुत अच्छे व्यक्तित्व थे, हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, तो उनके भी व्यक्तित्व चर्चा अभी भी की जाती है। उसके बाद महिला में प्रतिभा पाटिल जी थी, उनके व्यक्तित्व की चर्चा अभी भी की जाती है क्योंकि वो भी प्रथम महिला राष्ट्रपति। कलाम जो है आपको सबसे बेटर ऑप्शन कलाम है। उसके बाद अभी करेंट में प्रणब मुखर्जी जी ने भी अच्छा कार्य किया है, जनहित में कार्य किया है, डिसीजन से जो कुछ अभी डिसीजन आतंकवाद को लेकर कुछ बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन उन्होंने लिए थे। इस बात पे दीपक भी हमारे उनके ऊपर जो उन्होंने बात बोले इसलिए उनके साथ पूरा सहमत हूँ क्योंकि जो आपकी नजर में बेस्ट प्रेसिडेंट जो आपको एपीजे अब्दुल कलाम का नाम होते हैं तो उसे बोलने ही वाला है। जी हाँ, ये बात बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति चुनाव कल है और हमें 24 तारीख तक पता चल जाएगा कि देश का राष्ट्रपति कौन होगा, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव होते होते 70 वर्ष हो गए। 70 वर्ष में राष्ट्रपति पद और राष्ट्रपति व्यक्तित्व ये दोनों ही आम जन से और खासकर युवाओं से सीधे नहीं जुड़ पाया है। अगर कोई जुड़ा है इस इतिहास में तो वो एक नाम है एपीजे अब्दुल कलाम, जो अपनी किताबों के जरिए, जो अपने काम के जरिए, जो अपना उनका एक्शन था, बिहेवियर था, व्यवहार था, उसके जरिए लोगों से सीधे संवाद करने में कामयाब रहे। लेट्स सी कि आने वाले प्रेसिडेंट जो भी होंगे, मीरा कुमार या कोविंद, इनमें से कौन होगा और वो कितना युवाओं को लेकर, युवाओं के बारे में सोचने वाला होगा और युवाओं से सीधा संवाद करने की वास्तव में जरूरत है क्योंकि युवाओं की भागीदारी ही इस देश को आने वाले 20 सालों में कहां से कहां तक लेकर जाएगी। विदाई में आज बस इतना ही, अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी और विषय और नए शख्सियतों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, पढ़ते रहिए पत्रकार.com।